स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ हाजिर हूं मैं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और भारत जोड़ो यात्रा से पहली खबर आपको बता दें, जहां पर राहुल गांधी अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं। बता दें कि 24 को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे, तमाम उनके साथ कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे। साथ ही बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को पार्टी नेता राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने की बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने राष्ट्रीय जन आंदोलन का रूप ले लिया है। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोगों का समर्थन और विश्वास मिल रहा है। खड़गे ने 100 दिन पूरे होने पर एक वीडियो संदेश में कहा है कि यात्रा के दौरान कांग्रेस की युवाओं, किसानों, समाज के दबे कुचले वर्गों, महिलाओं, पूर्व सैनिकों का समर्थन मिल रहा है। साथ ही लोगों से बातचीत की जा रही है। बता दें कि राहुल गांधी राजस्थान से दिल्ली पहुंचेंगे। भारत जोड़ो यात्रा 24 को दिल्ली पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं और इस दौरान उनके साथ तमाम लोग देखने को भी मिलेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सैयद ब्यूरो हेड दिल्ली से जुड़ गए हैं। सैयद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से 24 को ये भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से अब दिल्ली पहुंचेगी, इस दौरान क्या कुछ अलग देखने को मिल सकता है? देखिए सोनाली, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हुए, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक हर्ष का माहौल जरूर दिख जाता है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को बधाई दी और साथ साथ ये कहा कि जिस तरीके का आपात जन समर्थन मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा को, उससे आने वाले दिनों में एक नई तस्वीर, चाहे वो राहुल गांधी की हो या फिर कांग्रेस की अगर हम बात करें, वो देखने को मिल सकती है। 24 तारीख को दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली के बदरपुर से लेकर निजामुद्दीन तक तकरीबन करीब 9 किलोमीटर से ज्यादा का ये स्ट्रेच होगा जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी चलेंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस के तकरीबन दिल्ली प्रदेश समेत जितने बड़े नेता हैं वो शामिल होने की आशंका है। आज उस पर औपचारिक मोहर लग जाएगी कि कौन कौन लोग, बड़े बड़े नेता जो है वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के बदरपुर से निजामुद्दीन तक तय करेंगे, पैदल मार्च करेंगे। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर है कांग्रेस के लिए कि जिस तरीके से लगातार पिछले 100 दिन से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हैं, कन्याकुमारी से लेके अब राजस्थान में फिलहाल आखिरी पड़ाव इस तरीके से देखा जा रहा है, उसके बाद दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली के बाद आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। तो इन सब चीजों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, जो एक छवि बनाने की कोशिश कांग्रेस की गई थी, कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस थोड़ी बहुत कामयाब होती नजर आ रही है। साफ तौर पर राहुल गांधी की जिस तरीके की मेहनत ग्राउंड पे, जमीन पे देखने को मिली है, उसमें जो समर्थन मिल रहा है, चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग हों, चाहे महिलाओं हों, चाहे दबे कुचले समाज के लोग हों और पूर्व सैनिक हों, खासकर पूर्व सैनिकों को सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। उनको लग रहा है कि 2024 के चुनाव में एक बड़ा उलट फिर राहुल गांधी की यात्रा के जरिए देखने को मिल सकता है, जिसकी वानगी इस बात को लेकर है कि हजारों की संख्या में राहुल गांधी के साथ लोग जुड़ रहे हैं और लोग अपने आप वहां पर आ रहे हैं। आरोप ये लगाया जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत को तोड़ने की यात्रा है, जो बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा जाता है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना सद्दाम हुसैन तक से की गई कि उनका लुक उस तरीके का है, दाढ़ी बढ़ी हुई है। तो इन सब बातों को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए कांग्रेस जिस तरीके से आगे लगातार बढ़ रही है, आने वाले दिनों में कहीं कुछ ना कुछ बेहतर कांग्रेस के लिए हो सकता है। सोनाली, सैयद, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि दो सवाल है मेरे पास। भारत जोड़ो यात्रा जो अब दिल्ली पहुंचने वाली है, इस दौरान कौन कौन से कांग्रेस के बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे, क्या इसमें सोनिया गांधी भी देखने को मिलेंगी? और दूसरा सवाल मैं आपसे ये भी लेना चाहूंगी, जिस तरीके से कांग्रेस का ये भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली पहुंच रहा है और तमाम राज्यों से होते हुआ ये दिल्ली पहुंच रहा है, क्या कांग्रेस के अंदर एक डर है बीजेपी को लेकर? क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तमाम लोगों को भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, तो क्या कांग्रेस के अंदर एक डर देखने को मिल रहा है? देखिए, पहली बात, जिस तरीके आपने कहा कि जो बड़े नेता हैं, आज उसकी औपचारिक पुष्टि एक तरीके से हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने इसका खाका तैयार किया है। जो दिल्ली स्टेट के जितने भी नेता हैं वो इसमें शामिल रहेंगे और जितने भी, अभी आपको बता दें, जो चुनाव हुए पार्षद के, नगर निगम के, उनके जिनके जो नेता हैं उनके इलाके के जितने लोग हैं उन सबको जोड़ने की कवायद है। और दूसरी तरफ जहां तक सोनिया गांधी की बात है, तो अभी इस पर औपचारिक पुष्टि होना बाकी है, आधिकारिक रूप से अभी कुछ जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना कि सोनिया गांधी यहां जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर कई बार खबरें निकल कर आई कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है,
उससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा भी भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ी, तो अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी या नहीं होंगी। बस 1 से 2 दिन के अंदर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और साफ कर दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से कौन बड़े नेता। लेकिन इतना जरूर है कि जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो दिल्ली में जो है, क्योंकि सदन चल रहा है, वो जरूर इस भारत जोड़ो यात्रा में देखने को मिलेंगे। और दूसरी तरफ जब जैसा कि आपने कहा कि अभी जो डर की बात है, तो इसी डर को या जिस तरीके से लगातार 2014 के बाद से कांग्रेस कहीं ना कहीं सभी राज्यों से हटती जा रही थी, उसको एकजुट करने की एक कवायद जरूर कही जा सकती है कांग्रेस की तरफ से कि राहुल गांधी ने पहल की और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की एक भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकले हैं। तो इन सब चीजों के पीछे अपने आप को मजबूत करने की एक स्थिति पैदा करने की कवायद जरूर है कांग्रेस की। सोनाली सैयद, तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर आ गई है और तमाम राज्यों से होते हुए ये यात्रा दिल्ली पहुंचेगी। क्या इन मुद्दों को लेकर जनता आकर्षित हो पाएगी कांग्रेस के तरफ? देखिए, जिस तरीके से जनसमर्थन मिल रहा है उससे ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि जो जमीनी स्तर के आम लोगों के, आम जनमानस के जो मुद्दे हैं, वो भाजपा के जो विरुद्ध जाने की कवायद है वो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है कि हमने जमीनी मुद्दे, जो आम जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, या जिस तरीके से चाहे वो चीन को लेकर कई सारी चीजें हैं, अभी आपने देखा कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से मुलाकात हुई, उनके साथ एक वीडियो भी साझा किया गया भारत जोड़ो यात्रा के पेज पर और उनसे बातचीत भी की गई, इकोनॉमिक को लेकर जिस तरीके से गई, महंगाई लगातार बढ़ रही है, उन सब चीजों पर जो चर्चा है, तो कहीं ना कहीं आम लोगों को जोड़ने की जो कोशिश है उसमें थोड़ी बहुत सफल होती जरूर नजर आ रही है कांग्रेस की। बिल्कुल सैयद, ये भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से 24 को दिल्ली पहुंचने वाली है और तमाम लोग इस दौरान देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े कांग्रेस के चेहरे इस दौरान यात्रा में देखने को मिल सकते हैं, इसको लेकर जो जानकारी आपने दी है, इसको लेकर तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 24 को दिल्ली पहुंचने वाली है, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े चेहरे इस यात्रा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस अब सड़कों पर उतरी है और लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है और ये यात्रा जिस तरीके से तमाम राज्यों से होते हुए अभी दिल्ली पहुंचेगी, अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस यात्रा को लेकर कांग्रेस अब लोगों को आकर्षित कर पाती है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा खेमका सदन से शुरू होकर शारदा नगर पुल से होते हुए कई मार्गों से गुजरी है। भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताया और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी के द्वारा 7 दिसंबर 2022 को कन्याकुमारी से की गई थी। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। और डीजे लगा होता है, उसके नारे लगाते हुए चलते हैं, वो हम जल्दी जल्दी शायद नहीं कर पाए हैं क्योंकि अनुमति हमें नहीं दी जा रही थी। अब मिल गई अनुमति तो हम प्रशासन का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भले ही हमें छोटे रूट की दी लेकिन उन्होंने हमको अनुमति दी है। तो पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का भी हम कांग्रेस जन सभी के सभी लोग उनका भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अगर दूसरी पार्टी का सम्मान रखा तो भारत जोड़ो यात्रा के प्रांतीय अध्यक्ष और विधायक वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बस्ती पहुंची है और भारत जोड़ो यात्रा का जनपद में जगह जगह जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इस दौरान शास्त्री चौक पर पहुंचकर विधायक वीरेंद्र चौधरी ने लाल बहादुर शास्त्री के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। इस मौके पर प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का पूरे देश में जोरदार समर्थन मिल रहा है, तमाम बड़े विद्वान, शिक्षाविद सहित अन्य तमाम लोग यात्रा में जगह जगह जुड़कर यात्रा को ताकत देने का कार्य कर रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जब से देश और प्रदेश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है तब से देश के समाज में नफरत का माहौल पैदा हो गया है। भाई भाई से दूर है समाज में जातिवाद,
वादिता फैली हुई है। लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, जिसे दूर करते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। निश्चित तौर पर इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी सभी को एक साथ जोड़ने के सफल रहेगी। बस्ती जिले में भी ये यात्रा का लोगों ने जोरदार समर्थन मिला है। अब जैसा आप सब जानते हैं, पिछले 8 वर्षों से जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी और आर एस एस की सरकार है, तब से इस समाज में इस देश में नफरत का माहौल बना हुआ है। भाई भाई से दूर है, जातियाँ जातियों में बटी हुई हैं, लोग एक दूसरे को नफरत की भावना से देखने लगे हैं। इस सब को लेकर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की। आप सभी को जानते हैं कन्या कुमारी के साथ और आज देश के विभिन्न प्रांतों से होते हुए राजस्थान में आज इस यात्रा का सौवा दिन है। हम आप मंच के माध्यम से नेता राहुल गांधी को धन्यवाद करते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पारसनाथ मौर्य बस्ती से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पारस, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से ये भारत जोड़ो यात्रा बस्ती पहुंची है, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, ये बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा बस्ती पहुंची और यहाँ पर जो जगह जगह लोगों ने बहुत जोरदार तरीके से स्वागत किया और विधायक जी जो है ये शास्त्री के ऊपर पहुंच करके यहाँ लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा है वहाँ पर माल्यार्पण किए। माल्यार्पण के बाद फिर वो पूरे शहर से घूमते हुए और वो आगे की तरफ बढ़ते गए। लेकिन जो यहाँ ये जो कांग्रेसी नेता हैं और जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम लोगों ने समर्थन किया और तमाम लोग भारी संख्या में जो है इनके साथ जो है चलने का काम किया। पूरा शहर जो है वो आगे की तरफ जो है बढ़ते गए। पूरा शहर जो है इनके साथ है, जो कांग्रेसी मानसिकता थी वो लोग जुड़ते गए। बिल्कुल पारस, बस्ती की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है और लोगों में इसको लेकर काफी खुशी देखने को मिल रही है। पारस, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शौर्य दिवस के अवसर पर गोरखपुर के एसएसबी जवानों और साथ ही आम नागरिकों ने मशाल जुलूस निकालकर देशभक्ति का संदेश दिया है। दरअसल 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के पाकिस्तान घुटने पर ला दिया था, जिसके बाद दुनिया में सैन्य इतिहास के एक साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। इस उपलक्ष्य में भारत के जल थल और वायु सैनिकों के प्रति देश का हर नागरिक सम्मान देकर अपनी खुशी इजहार करते हुए नजर आया है, उसकी शौर्य गाथा को याद करते हुए नजर आया है। आज उसी क्रम में गुरु कृपा संस्था की तरफ से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला खेल महोत्सव के उपलक्ष्य में मशाल जुलूस निकाला गया है। संस्था के अध्यक्ष ब्रिजेश राम त्रिपाठी ने बताया है कि विगत 13 वर्षों से हमारी संस्था की तरफ से इस तरह के मशाल जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और हमारे कार्यक्रम में आज एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट विवेक ओझा के साथ, बता दें आपको कि एसएसबी के जवान और साथ ही आम लोग शामिल हुए हैं। साथ ही वाद्य यंत्र के माध्यम से एसएसबी के जवानों ने देशभक्ति का संदेश दिया है। कहा जाए इसको शौर्य यात्रा किया जाए, कहा जाए 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर लाया था और दुनिया के सैन्य इतिहास में 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए थे। उस खुशी में पूरा देश जल थल वायु सेना के सारे सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है। विजय दिवस के अवसर पर उनको अभिनंदन करता है। आज गुरु कृपा संस्थान में अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा के सभी कार्यकर्ता ने आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला खेल महोत्सव के आयोजन के क्रम में पिछले 13 वर्षों से लगातार जिस मशाल जुलूस का संचालन करता है, उस मशाल जुलूस में आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज हम लोगों के कार्यक्रम के बीच में एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट आदरणीय विवेक ओझा जी हम सभी का नेतृत्व कर रहे हैं और इस एसएसबी के जवान
अपने वाद्य यंत्रों के माध्यम से देश में राष्ट्र धुन का जो गुंजायमान कर रहे हैं वो सारे युवा उनको अनुसरण करने वाले हैं। आज हम ही को क्या, मेरे हिसाब से पूरे भारतवर्ष को ये पता होगा कि आज 16 दिसंबर का दिन है जो एक बड़ा बहुमूल्य दिवस है। इसको हम पूरे भारतवासी विजय दिवस के तौर पे मनाते हैं और ये वो विजय दिवस है जो ये याद दिलाता है कि हमारा भारत कितना सशक्त है। आज ही के दिन भारतवर्ष ने सन 1971 में पाकिस्तान को एकदम दांतों तले चने जबवा दिए थे। उस दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को समर्पण करना पड़ा। ये शूरवीरता दिखाई और उस शूरवीरता का परिणाम है कि आज के देश में भी हमारा भारतवर्ष सबसे आगे चल रहा है और आगे चलता रहेगा। हम आज के दिन में गुरु कृपा संस्था के माध्यम से श्री ब्रजेश राम त्रिपाठी उनके संयोजक हैं, उनके माध्यम से एक मशाल रैली यहाँ पे निकाल रहे जिसमें सहभागिता है। और क्योंकि हम खुद कॉम्बैट फोर्स के मेंबर हैं और भारत के लिए समर्पित है तो इस प्रोग्राम में हमारा यहाँ पर उपस्थित हमारे लिए बड़ी गौरव की बात रही। इसको हम ये मैसेज एक देना चाहेंगे आज के दिवस के तौर पर कि इसको केवल और केवल केवल एक शहीद दिवस या के तौर पर नाम यूपी के फतेहपुर में छात्रावास से टीचर के द्वारा जबरन समय से पहले निकाले जाने से नाराज छात्राओं ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है और टीचर पर आरोप भी लगाया है। छात्रावास में आए बच्चों के सामान को अपने घर ले जाने की शिकायत करने पर इस तरह परेशान किया जा रहा है जिससे पढ़ाई चौपट हो गई है। मौके पर एसडीएम ने पहुंचकर छात्राओं से शिकायत पत्र लिया और समस्या के निदान की बात कही है। वहीं छात्राओं ने आरोप लगाया है कि हम सभी का घर जिला मुख्यालय से 50-60 किलोमीटर दूर है और हम पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस कारण छात्रावास में रहकर हम पीजी प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे जिसका परीक्षा जनवरी 2023 में होना है। वही टीचर के द्वारा बच्चों के साथ शिकायत करने पर परेशान किया जा रहा है जिसके बाद से हम जब समाज कल्याण अधिकारी से मिलने गए तो भाग गए हुए। मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर अवधेश निगम ने प्रार्थना लेकर समस्या के निदान की बात कही है। जबकि हमारा टाइम भी नहीं पूरा हुआ, एक एक दो साल बचा है फिर भी निकाल रही है हमें, और जितना भी सामान रहता है हम बच्चों का सब अपने घर लेके जाती हैं और पैसे ले लेके बच्चों को रखती हैं। सर कौन है ये? ये हमारी शीला दीक्षिका है, मैं वार्डन। वार्डन क्या नाम है उनका? शीला दीक्षिका। कहाँ से आपको निकाला? शीला देवी। सिर्फ शीला देवी अधीक्षिका है? हाँ। कहाँ की अधीक्षिका है? ये महिला छात्रावास अम्बेडकर महिला छात्रावास। सर कहाँ पर स्थित है ये? महिला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महिला डिग्री कॉलेज के अंदर। महिला डिग्री कॉलेज वहाँ के छात्रावास में आप लोग रहते हो? हाँ। वो आप लोगों को निकाल रहे हैं? निकाल रहे हैं। जबकि अभी साल हम लोगों का सितंबर से एक साल हुआ है हम लोगों का। कुछ बच्चे हैं जो जिनका 8 साल पूर्ण हो चुका है वो बच्चे जा रहे हैं, फिर भी जो अभी एक साल हुआ उन लोगों को निकाल रही है। तो हम लोग यहाँ छुट्टी मनाने आए थे कि हम लोग पढ़ेंगे नहीं, कहते हैं सर को निकाला जा रहा है। मैं अपने निकाला गया तो कहती हूँ कि सीधा जाओ ऑफिस से, ऑफिस में जाओ बात हो जाओ। अगर यहाँ हम लोग कलेक्ट्रेट में 10 बजे से थे लेकिन वहाँ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बबलू सिंह फतेहपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। बबलू क्या कुछ मामला है और छात्रों का इस तरीके से प्रदर्शन करना और टीचरों पर आरोप लगाना कहीं ना कहीं ये सवाल बड़े खड़े कर रहा है और ये क्या कुछ मामला है, छात्रों की क्या कुछ मांग है? जी मैं बता दूं फतेहपुर जिले के राजकीय जिला इंटर कॉलेज का पूरा मामला है ये, जहाँ पे अनुसूचित जाति की ये छात्राएं हैं जो दूर दूर गांव-गांव से इनका एडमिशन होने के बाद यहाँ रुकती हैं और जहाँ पे इनका सामान बाहर कराया गया है ऐसा इन्होंने छात्राओं ने आरोप लगाया है। इसी मामले पर सदर एसडीएम और देश निगम पहुंचकर मामले को शांत कराया और कह बोले हैं जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और उसी पे जैसे ही हमारी प्रिंसिपल से बात होती है बात करके छात्रों को उसी जगह व्यवस्थापित किया जाएगा। चलिए बबुल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
फरुखाबाद में मोबाइल चोरी के आरोप में 5 शादी समारोह में लगे वेटरों के साथ जमकर मारपीट की गई, साथ ही पैरों में जंजीर तक पहनाया गया। दरअसल कोल्ड मलिक का एक गेस्ट हाउस में शादी समारोह कार्यक्रम मोबाइल चोरी की वारदात सामने आई, जिसके बाद से मोबाइल चोरी के आरोप में खाना परोस रहे 5 वेटरों को युव व्यापार मंडल अध्यक्ष रितेश महेश्वरी ने कोल्ड में बंधक बना लिया और साथ ही जमकर मारपीट की गई। वहीं सूचना के बाद से अब भी पुलिस इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई करते हुए नहीं नजर आई है। वहीं सोशल मीडिया पर पैरों में जंजीरें और साथ ही ताला पड़ा खंभे का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अब खबर अमेठी से है, जहां पर मामूली विवाद के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए और इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले। इस घटना के बाद वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं ये पूरा मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गाँव का बताया जा रहा है। अब खबर फरुखाबाद से है, जहां पर 48 घंटे के अंदर पुलिस ने महिला के साथ घर में घुसकर हुई लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। वहीं एसओजी टीम और साथ ही सिविलेंस टीम और साथ ही आपको बता दें कि थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के बाद 4 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि मंगलवार को मोहल्ला जाफड़ी निवासी बबलू कनौजिया की पत्नी गीता कनौजिया के साथ गिफ्ट ऑर्डर देने के बाद बहाने घर में घुसकर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं बदमाशों के द्वारा की गई लूट पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद से एसपी के निर्देश पर 3 टीमों का घटना का अनावरण के लिए लगाया गया और मामले में एसपी अशोक कुमार मीणा ने पुलिस लाइन सभागार में खुलासा किया है। वहीं 4 बदमाशों को पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान एक बदमाश फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से लूटी गई सोने की चेन, 2 देसी तमंचा और साथ ही कारतूस और इस दौरान तमाम चीजें बरामद की गई है। यमुनानगर की पुलिस ने युवक की हत्या की खुलासा कर दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि कीर्तन मंत्र की सिद्धगी के लिए मृतक के खुद को हत्या कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि आरोपी नीतीश सैनी उत्तराखंड के हरिद्वार का रहने वाला है। हरिकी पौड़ी में दोनों की मुलाकात के बाद उसकी दोस्ती हुई थी, जिसके बाद से तंत्र की सिद्धि के लिए मृतक ने खुद ही हत्या कर दी अपनी। और साथ ही नैनी के रहने वाले आशीष दीक्षित की करछना में शव मिला है। आपको बता दें कि डीसीपी यमुनानगर सौरभ दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया है। दस दिसंबर को थाना करछना पे एक अज्ञात शव मिला था, देख करके लग रहा था कि इसकी हत्या कर दी गई है। इस हत्या की घटना के सफल अनावरण में डीसीपी करछना के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया था। आज अभियुक्त नीतीश सैनी, जो कि जनपद हरिद्वार उत्तराखंड का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अभियुक्त ने पूछताछ में ये बताया है कि जो मृतक थे, इन दोनों के परस्पर संबंध पिछले 5-6 महीने से हो गए थे तथा दोनों ही कर्मकांडों के प्रति काफ़ी आकर्षित थे और इसी के चलते जो मृतक हैं उन्होंने कन्विंस कर लिया अभियुक्त को कि उनके पास ऐसी एक तंत्र सिद्धि आ गई है जिससे कि मृत्यु के उपरांत भी वो पुनर्जीवित हो सकते हैं और जो अभियुक्त हैं उनको कन्विंस करते हुए अपने ऊपर प्राणघातक हमले कराए जिससे कि उनकी मृत्यु। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के बरसरेहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत निकालने वाले इटावा बरेली हाईवे पर कस्बा बरहेड़र के बीचों बीच गुरुवार की शाम एक तेज रफ्तार बाइक पर सवार दंपति जल्दबाजी के चक्कर में ट्रक को ओवरटेक कर रहे थे। उसी दौरान सामने से यह गाड़ी आ जाने की वजह से बाइक सवार ने ब्रेक लगा दी और देखते देखते बाइक सवार और पीछे बैठी महिला
चल रही ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आने से बच गई। वहीं बता दें कि ट्रक चालक के सूझबूझ से महिला को बचाया गया है, जिसके बाद से महिला की जान बच गई है। और साथ ही बता दें आपको कि घटना का पूरा वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, और साथ ही इस दौरान इस मामले को लेकर ट्रक चालक की जो सूझबूझ है वो आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से। इटावा की यह तस्वीर है जहां पर ये ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में किस तरीके से महिला जो है वो ट्रक के पिछले चक्के के नीचे आते आते किस तरह बची है, और ट्रक चालक की सूझबूझ से महिला को बचाया गया है। और नहीं तो आज कहीं ना कहीं महिला जो है वो मौत का शिकार हो जाती। और इस दौरान बता दें कि इटावा की ये खबर आपको बता रहे हैं जिसका वीडियो आप देखिए किस तरीके से ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में एक महिला जो है ट्रक के पिछले चक्के के नीचे आने से किस तरीके से बची है। और इस दौरान ओवरटेक की तमाम खबरें सामने आती रहती है, लोग ओवरटेक करते रहते हैं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से इसमें आपकी जान भी जा सकती है। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से ट्रक चालक को ओवरटेक करने के चक्कर में महिला की जान जाते जाते बच गई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।